जरूरी सूचना। राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब ढाई महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। कल हमने 5 राज्यों का सर्वे दिखाया, आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 में आप देश के 5 बड़े राज्यों का सर्वे देखेंगे। साल भर से चल रहे सी वोटर के ट्रैकर में 2,00,000 से ज्यादा लोगों की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और 2024 का ओपिनियन पोल का पार्ट 2 लेकर आपके लिए आया हूं। पार्ट 1 में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना, इन 5 राज्यों की 110 सीटों की बात की और अब हम 5 और राज्यों की बात करने वाले हैं। देश के वो 5 बड़े राज्य जो जनसंख्या के लिहाज से भी और लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी वो राज्य इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं, जो आपको बताएंगे डेटा सेंटर में मौजूद मेरे सहयोगी राजेंद्र। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो की सियासी नब्ज समझने वाले रिपोर्टर हमारे साथ होंगे, संजय त्रिपाठी कानपुर से आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पटना से प्रकाश कुमार के पास चलेंगे, मुंबई से राजेश त्रिपाठी और चंडीगढ़ से सचिन हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का। राजेंद्र, बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दर्शकों की रुचि इन ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों में ज़रूर होगी। वो हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर बनती दिख रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या रुझान बनता दिख रहा है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कुल लोकसभा सीटें 80 हैं यहाँ पर और NDA को यानी BJP और उसके सहयोगी दलों को 49% वोट जाते दिख रहे हैं लोकसभा के आगामी चुनाव में। ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनको 35% वोट जाते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के, उत्तर प्रदेश के वोटर्स के। बहुजन समाज पार्टी चूंकि विपक्ष में तो है लेकिन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और वो चुनाव लड़ेगी तो उसको 5% वोट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के जाते दिख रहे हैं और अन्य के खाते में, अन्य में कुछ दल भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं, उनके खाते में 11% वोट जाते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के। कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं, वोट शेयर की स्थिति क्या रहने वाली है। आइए आपकी स्क्रीन पर रखते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए। जो उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल हुआ उसमें एनडीए को 73 से 75 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल 80 सीटें हैं और 73 से 75 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं आज की तारीख में। ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं उस हालत में भी 4 से 6 सीटें मात्र 4 से 6 सीटें उनके पक्ष में जाते दिख रही हैं लोकसभा की। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें जो कि अकेले बूते पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, बड़ा दल है, उसके पास 0 से 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इन ओपिनियन पोल्स में जो एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है। वापस आपको स्टूडियो ले चलते हैं विवेक के पास। राजेंद्र ने जो आंकड़े गिनाए हैं इससे साफ हो रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ है इस खबर को विस्तार देने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए जुड़े हैं। संजय, जिस तरह से 49% वोट शेयर और 73 से 75 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं तो वो वाली कहावत तो ठीक है ना कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और यूपी अब की बार बंपर मदद करने वाला है। बिल्कुल, ये जो आंकड़े सर्वे में सामने आए हैं इससे तो कुछ ऐसा ही जाहिर होता है विवेक। 73 से 75 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलती हैं तो ये अब तक की सबसे बड़ी फतह होगी यूपी में। 80 सीटों का प्रदेश है और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अगर 73-75 सीटें NDA गठबंधन को यहाँ पर मिलती हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत होगी और इस जीत के पीछे जो कारण है वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि जो
कि हालांकि हम तो 73 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि वो 80 की 80 सीटें जीतेगी, और उसके पीछे का जो वो गणित बताते हैं, जो समीकरण बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रभावी है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की छवि है सुशासन की और कानून व्यवस्था को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में। संजय त्रिपाठी, वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा भी राजेंद्र देव दिखाएंगे, और उससे हम ये समझेंगे कि महाराष्ट्र में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि कई राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में बदले हैं। राजेंद्र, अभी सी वोटर का आंकड़ा बता दीजिए। बिल्कुल विवेक, का उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी महाराष्ट्र में हैं, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में वहां पर बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बने हैं और बिगड़े हैं। तो वोट शेयर क्या है वहां पर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो सी वोटर ने किया एबीपी न्यूज के साथ, ये देखिए आप, एनडीए के पक्ष में 37% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए यानी बीजेपी, और इसके अलावा जो है शिवसेना का जो शिंदे गुट है, और इसके अलावा जो अभी एक और डिवीजन हुआ है वो भी आपने देखा, वो सब 37% वोट शेयर हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी, उसको 41% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। ये बढ़त है महाविकास आघाड़ी की एनडीए के ऊपर यहां पर इस ओपिनियन पोल में। 41% वोट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, और अन्य के पक्ष में 22% वोट जाते दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। ये है वोट शेयर गठबंधनों का, दो बड़े गठबंधन एनडीए और एमवीए, इनके पक्ष में क्रमशः 37% और 41%। और अब हम आपको सीटों की स्थिति बताते हैं इस ओपिनियन पोल में, ये वोट शेयर कितनी सीटों में कन्वर्ट हो रहा है ये देख लीजिए आप। एनडीए के पक्ष में कुल 48 सीटों में से 19 से 21 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें, उनके पक्ष में 26 से 28 सीटें, वोट शेयर 41% और सीटों का आंकड़ा है 26 से 28 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में। क्लियर यहां पर लीड है महाविकास आघाड़ी को, वोट शेयर के मामले में भी और सीटों के मामले में भी। अन्य के पास 0 से 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, इसमें जाहिर सी बात है निर्दलीय भी शामिल है। वापस आपको विवेक के पास लेकर, एनडीए को 19 से 21 और महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें। राजेश त्रिपाठी, ये किस बात का असर माना जाए, क्या जो पुराने चेहरे एमवीए में अभी भी हैं महाविकास आघाड़ी में, ये उसका असर है कि समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अभी शिंदे हैं वो पहली बार ही चुनाव में होंगे? जी बिल्कुल, कल से जब हमारा ओपिनियन पोल आया है बीपी न्यूज का, उसके बाद जो एमवीए के नेता हैं या फिर एनडीए के नेता हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है और जनता से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि ये समीकरण अभी बहुत इसमें बदलाव होने वाला है। एमबीए के जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं वो तो खुश हैं इस ओपिनियन पोल से, लेकिन एनडीए इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका लगातार कहना है कि एनसीपी अगर टूट कर आई है हमारे साथ, या शिवसेना के लोग, शिंदे गुट हमारे साथ आया हुआ है, तो हम उससे मजबूत हुए हैं, और इन मजबूती के साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है मोदी की गारंटी वाली बात एनडीए जरूर करता है कि पूरे देश में ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, इसको जनता देखेगी और इसके आधार पर निर्णय करेगी। और एनडीए ने तो दावा कर दिया, बीजेपी के नेताओं से जो हमारी बात हो रही है उन्होंने कहा कि हम 40 सीटें जो है महाराष्ट्र में जीत कर लाएंगे, 40 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, वो जो मराठा आंदोलन हो या फिर पार्टियों में जो टूट है और जो इंडिया गठबंधन को लेकर के मन मुटाव चल रहा है, ये बहुत नुकसानदेह होगा, और ये बातें नुकसानदेह होगा। और बीजेपी लगातार इस बात की ब्रांडिंग कर रही है कि मोदी की गारंटी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो शिंदे हैं वो पहले जो शिवसेना के साथ थे अब उसमें भी बंटवारा हो गया है, तो इसका परिणाम भी दिलचस्प होगा देखने के लिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान सामने आया है। संजय निरुपम ने कहा है कि ओपिनियन पोल में भले ही महाराष्ट्र में एमबीए को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इससे ज्यादा का आंकड़ा पार करेंगे, हम बीजेपी को मात दे सकते हैं। सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एबीपी न्यूज ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी। सर, आपके लिए तो खुशखबरी की बात है।
बिल्कुल खुशखबरी की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक सरकार बनाई गई दलों को तोड़ तोड़ करके, उसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं, महाराष्ट्र का मतदाता नाराज है, और उनकी नाराजगी इन मशीनों में उतरेगी और उसी का नतीजा भी आपको एक इशारे के तौर पे दिख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है। अभी ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास, बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एमवीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी, ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा। अगर ऐसे में मोदी की गारंटी वाली जो बात आती है, अगर वो होता है तो क्या फिर ये मामला थोड़ा डगमगा जाएगा? मोदी की कथित गारंटी या कथित लोकप्रियता के ऊपर इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भारी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अभी और कम होंगी, उनके सहयोगी दलों की सीटें और कम होंगी, कहीं जाके ये 10 के अंदर रुक जाएंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो एनसीपी का एक धड़ जो है उनके साथ जुड़ गया है, शिवसेना का एक धड़ उनके साथ जुड़ गया और कांग्रेस के साथ जो है भी एक धड़ा जो है जुड़ा हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, शरद पवार जी जो अपने आप में उस पार्टी के संस्थापक हैं, वो एक अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हैं और उनको चाहने वाले मानने वालों का वोट जो है, वो जो उनके समर्थक है, वो उनके आगे पीछे चारों तरफ एक पूरी ताकत के साथ उपस्थित हैं। बिल्कुल उसी तरह से शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी, वो अपनी जगह पूरी ताकत से उपस्थित और उनका जो चाहने वाला वोट बैंक है वो उनके साथ है। हाँ, उनके कुछ नेता जो ईडी के चक्कर में फंस गए थे या सीबीआई के किसी नेट में थे, जाल में थे, वो नेता भाग गए, तो वो नेता चले गए जो मतदाता है आज भी इन पार्टियों के साथ है, और यही एमवीए की सबसे बड़ी ताकत। हम आपकी इंडिया गठबंधन में ही देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे शिवसेना के, वो कुछ इस तरह की जो है विवाद खड़ा कर देते हैं कि आप में ही मतभेद दिखने लगता है, क्या इसको जो है चुनाव से पहले ठीक करने की जरूरत है? दोनों बातें, एक तो अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है तो थोड़े बहुत मतभेद रहेंगे और वो मतभेद कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी मुखर होते रहेंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो हमको आपसी जो एक मतभेद होंगे या कोई एक संवादहीनता होगी उसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। एमवीए की मशीनरी किस तरह से अब काम करने वाली? तीनों पार्टियों कि अपनी मशीनरी है, तीनों पार्टियों के फॉलोअर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में एमवीए को आप जीतता हुआ देख रहे हैं फिर? बिल्कुल 100%, 100% महाराष्ट्र से तो हम लीड लेके आ रहे हैं, पूरे देश का भी हमको पता नहीं। तो कांग्रेस का पक्ष हमने आपको दिखाया, संजय निरुपम बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर तीनों पार्टियां मिलकर आए तो भारी पड़ सकती हैं। उधर महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल पर बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक बड़ा दावा किया है। किरीट सोमैया का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार 40 सीटें जीतेगी, मोदी की गारंटी यहां भी काम करेगी, बीजेपी ने जो काम किए हैं जनता ने उन्हें देखा है और यही वजह है कि बीजेपी को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरा बयान आपको सुनाते हैं। आप भी लोकसभा चुनाव सांसद रहे हैं और ये जो ओपिनियन पोल आया है इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या वास्तव में यही स्थिति है महाराष्ट्र में? आपको आपका एग्जिट पोल याद होगा, सिर्फ एबीपी नहीं, अनेक चैनलों ने अभी जो चार राज्यों के विधानसभा के चुनाव में जो एग्जिट पोल दिखाया था उसको एक्चुअल रिजल्ट ने एग्जिट यानी बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। इसलिए जो चैनल होती है, सर्वे करने वाली कंपनियां होती है, उनको जो रेफरेंस दिया जाता है उस रेफरेंस के आधार पर उनका बस चले तो 10 से भी कम सीट दिखाए। हम ओपिनियन पोल की नहीं बात करते, हम जनमत। आज मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी पीएम, महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीटें भाजपा और सहयोगी पक्षों की आने वाली है। मतलब आप सीधी बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी की, जनता के विश्वास की, कि जनता का आज मोदी जी में विश्वास। महाराष्ट्र राज्य में स्थिति थोड़ा सा अलग दिख रही है क्योंकि यहाँ पे भी एनसीपी बिखर के जो है आधी टूट करके आपके साथ आ गई है, शिवसेना आधी टूट के आपके साथ आ गई है। एक अकेला मोदी काफी है, आपने देखा 2014 में यही स्थिति थी, विधानसभा चुनाव में
बिखरे हुए थे सभी पक्ष, तभी भी भाजपा को 122 विधानसभा सीटें मिली थी। ये लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है। कल हम इस मुद्दे पे विपक्ष से भी बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, वो सीधे ईडी सीबीआई सीधे वो बात करी थी कि इसके भरोसे जो है बीजेपी वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपकी बात सही है, यही बातें आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी सुनी थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इसी प्रकार की बातें। एग्जिट पोल के बाद में आपने जो चर्चा तंत्र रखे थे उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पीछे ईडी लगा दी। किरीट सोमैया विषय नहीं है, विषय है कि किरीट सोमैया ने जो घोटाले निकाले वो सही निकले। क्या इस बार जो है किरीट सोमैया मैदान में उतर रहे हैं? किरीट सोमैया मैदान में ही रहा है, मैदान में ही होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री वापस बने उसके लिए किरीट सोमैया जो भी हो सकता है वो सब करेगा। एक बार फिर मोदी सरकार यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। आइए, महाराष्ट्र की बात हो गई, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बिहार की बात करते हैं। वहां पर जो ओपिनियन पोल हमने किया सी वोटर के साथ, उसके आंकड़े क्या हैं? देखिए, उसमें सबसे पहले हम आपको वोट शेयर बताते हैं। एनडीए, बीजेपी और उसके सहयोगी दल बिहार में 39% वोट हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन यानी के जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ये मिलकर 43% वोट हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 18% वोट जाते दिख रहे हैं। अब हम आपको सीटों में इसका कन्वर्जन क्या हो रहा है वो बताते हैं, सीटें किसको कितनी मिलती दिखाई दे रही हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 16 से 18 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं कुल 40 सीटों में से। ऐसे ही महागठबंधन को 21 से 23 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं लोकसभा की कुल 40 सीटों में से। तो बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य और यहां पर लीड है इन ओपिनियन पोल्स में महागठबंधन को। इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से और वो इन आंकड़ों का कारण हमें बताएंगे, बहुत स्पष्ट जानना चाहेंगे, क्योंकि एनडीए लोकसभा चुनाव में पिछले कुछ चुनाव में शानदार प्रदर्शन करता रहा है प्रकाश, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये उससे उलट है। बिहार की राजनीति का जो तराजू है उसमें सबसे ज्यादा अहम नीतीश कुमार की का जो बटखरा है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरफ वो रहते हैं उसका झुकाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इस बार भी जो अभी ओपिनियन पोल दिखा रहा है उसमें ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सीटों की संख्या दिखाई जा रही है और जो वोट परसेंटेज दिखाया जा रहा है वो साइंटिफिक तरीके से ज़रूर किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो होना बाकी है और इसके बाद जो ओपिनियन पोल आएंगे वो थोड़ा अलग हो सकते हैं, खास तौर से तब जो दो अधिक जिसका महत्व है या वजन है वो ये है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो का जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, इसमें अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, और दूसरा कि कौन कैंडिडेट किस सीट से लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हमारा सर्वे भी दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो 60% से ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो क्या एक तरफ नीतीश और लालू और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, इन दोनों के बीच जो मुकाबला है वो सीटों की संख्या में कुछ और भी फर्क दिखाएगा, ये आने वाले समय में धीरे धीरे वो बातें स्पष्ट होती जाएंगी। प्रकाश, आप मूलतः ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ और फैक्टर्स भी काउंट करेंगे और उसका असर इन आंकड़ों में दिखाई देने लगेगा। बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बिहार के बाद पंजाब की बात करते हैं। पंजाब एक और महत्वपूर्ण राज्य, वहां पर क्या स्थिति बन रही है इस ओपिनियन पोल में जो सर्वे हमने किया है। पंजाब के ओपिनियन पोल में वोट शेयर की स्थिति क्या है वो देखिए आप। बीजेपी को 16% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में 27%, जिनके पास पिछली सरकार थी, और आम आदमी पार्टी जिनकी वर्तमान में सरकार है राज्य में, उनके पास 25% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं इस ओपिनियन पोल में। शिरोमणि अकाली दल जो कभी बीजेपी का पार्टनर हुआ करता था, वहां पर अलायंस पार्टनर, उसके पास 14% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं, और अन्य के खाते में पंजाब के मतदाता 18% जा सकते हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं
और अब उन सीटों में से किसके पास किया जा रहा है आपको वो भी दिखा रहे हैं हम इस ओपिनियन पोल में। बीजेपी को 0 से 2 लोकसभा सीटें प्राप्त हो सकती हैं, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को 5 से 7 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। बहुत यहां पर अच्छा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, जबकि शिरोमणि अकाली दल के पास 0 से 2 सीटें जा सकती हैं पंजाब की, और अन्य के खाते में कुछ भी जाता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का हाल है और इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला होता दिख रहा है। वापस आपको स्टूडियो विवेक के पास ले चलते हैं। तो कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था, अब की बार भी समीकरण कैसे बदलने वाला है सचिन हमको समझाएंगे। सचिन, इसका असर कैसे पड़ेगा आम आदमी पार्टी जिस तरह से लीड कर रही है पंजाब में? जी देखिए, ओपिनियन पोल से कुछ एक बातें हैं जो साफ हो रही हैं। नंबर एक कि आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला था, 92 सीट्स जीते थे आम आदमी पार्टी, तो उसमें थोड़ा है गिरावट आई है आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है। नंबर दो, कांग्रेस जो ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, खासकर जिस तरीके से गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर आज के दौर में, उसके चलते पर कांग्रेस ने जो है अपनी पोजिशन कंसोलिडेट की है। और एक बात और है कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं पंजाब में अपनी पोजीशन को सुधारने की, पर उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। खासकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है पंजाब में, ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं, पर बीजेपी की पोजीशन में ज़्यादा सुधार पंजाब में होता नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ एक बातें जो हैं वो साफ हैं ओपिनियन पोल से, पर अब आने वाले दिनों में पंजाब में राजनीति कैसे होगी इसके ऊपर नज़र रहेगी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो है वो इंडिया गठबंधन का पार्ट है। अगर उन दोनों में गठबंधन होता है, रूलिंग पार्टी और मेन अपोजिशन पार्टी, और जिसमें दोनों अभी को भी कई समीकरण लोकसभा चुनाव से पहले बदलने वाले हैं। सचिन, अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है ओपिनियन पोल के बाद समीकरण, राजीव देव आपको समझाएंगे। बिल्कुल विवेक का, पश्चिम बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य पूर्वी भारत का, और वहाँ पर किसको कितने सीटें जाते दिखाई दे रही हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। बीजेपी को 16 से 18 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं कुल 42 सीटों में से। कांग्रेस और लेफ्ट इनको जो है 0 से 2 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि राजनीतिक समीकरण बदल भी सकता है जो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि कांग्रेस और लेफ्ट ही वहां पर गठबंधन में है इसलिए हम उन्हीं के मुताबिक आंकड़े आपको बता रहे हैं। 0 से 2 लोकसभा सीटें उनके पास जाती दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस जो लगातार वहां पर सत्ता में है उसको 23 से 25 लोकसभा सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो क्लियर विनर यहां पर पश्चिम बंगाल में वहां की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस दिखाई देती है, अन्य के पास कोई भी लोकसभा सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। वापस विवेक के पास चलते हैं। लोकसभा चुनाव से 2.5 महीने पहले जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बीच सर्वे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी की गारंटी पूरे देश में असर कर रही है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। सुनाते हैं आपको। एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे आया है जिसमें छत्तीसगढ़ में 9 से 11 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव जी, ये बताइए क्या लगता है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 18% वोटों की बढ़ोतरी हो रही है सर्वे में, और छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ हो जाए। बिल्कुल, मोदी फैक्टर काम कर रहा है। आज इस देश क्योंकि एक एक जनता बच्चे तक का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, और निश्चित रूप से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। मोदी गारंटी काम कर रही है, इसीलिए जो है विधानसभा चुनाव के बाद जो है अब जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता जो है 18% वोटों में बढ़ोतरी कर रही है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो है आप अभी दिल्ली से लौटे हैं और छत्तीसगढ़ के जो नए नवेले मंत्री हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि विभागों का बंटवारा हो जाए, तो क्या माना जाए कि जल्दी होगा विभागों का बंटवारा? हाँ, बहुत जल्दी विभागों का बंटवारा हो जाएगा, और मुख्यमंत्री और हमारे दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेने के बाद
दिल्ली गए थे और सबसे मुलाकात वहाँ पर किए हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रेल मंत्री। सबसे मुलाकात हुई, माने रणनीति बन गई है कि किनको किनको क्या प्रोफाइल? सबसे मुलाकात हो गई है, सबका आशीर्वाद मिला है और सबने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और खुशहाल और भयमुक्त प्रदेश बनाने में सबका सहयोग मिलेगा। मोदी की गारंटी में पहला वादा था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वास भी दिला चुके थे छत्तीसगढ़ की जनता को कि सरकार बनने के बाद पहला काम प्रधानमंत्री आवास का होगा। पहले ही कैबिनेट के बैठक में 13 तारीख को शपथ हुआ, 14 तारीख के पहले कैबिनेट के बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 12 लाख से भी ज़्यादा किसानों के खाते में 2 साल का बोनस उनके नाम से करीब 3700 करोड़ रुपए चला जाएगा। बड़ी बात है, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार हिंदुत्व पे, धर्म पे, सनातन पे बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव तक जो है ये एक बड़ा मामला रहेगा? जी बिल्कुल, जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में बनी है तब से हिंदुत्व को एक बड़ी ताकत मिली है। क्या लगता है कि मोदी की गारंटी में भी एक बड़ी गारंटी है कि छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के तमाम लोगों को जो है अयोध्या ले जाएंगे, रामलला के दर्शन कराएंगे, तो क्या आप भी जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब पूरा देश ही नहीं दुनिया वहाँ पर जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे। और मोदी की गारंटी में एक योजना है रामलला दर्शन योजना का, सरकारी पैसे में छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान। ABP News आपको रखे आगे।